Батя, Катя, Вита, Гайта. Урта, Урта, Урта. नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार में अगर अपराध की घटना की बात करें तो शायद मेरे पास गिनती कम पड़ जाए, लेकिन अपराध और अपराधियों की जो घटना है वो कम नहीं होगी। इन दिनों बिहार में कहीं से भी अगर आप कोई खबर सुनते हैं तो यही रहता है कि कहीं ईटीएम लूट लिए गए, कहीं किसी की हत्या कर दी गई, तो कहीं डाका डल गया, तो कहीं बैंक लूट लिए गए। हर तरफ से ऐसी ही घटना सामने आती है। आज सुबह जहरीली शराब से मृत्यु की बात हो या फिर गोलीबारी की बात हो, एक ऐसी ही घटना का आज हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। ये घटना दरभंगा की है। आपको बता दें कि दरभंगा में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। दरभंगा जिले के बेहरी थाना के अंतर्गत चकला बलात गांव निवासी भरत यादव की अपराधियों ने मधेपुरा जिला के घेलाड थाना के अंतर्गत हत्या कर दी। और सबसे अचंभे की बात है कि उस वक्त वो युवक अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से फोन पे बात कर रहा था। जरा सोचिए उस दर्द को। लेकिन इन दिनों बिहार की हालात ही कुछ ऐसी हो गई है, जहां पर अपराधियों का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आज एक बार फिर पप्पू यादव जाप सुप्रीमो जो है वो दरभंगा पहुंचे हैं, पीड़ित लोगों के पास जिनके घर में ये हत्या हुई है उनके परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं, एक बच्चे को गोद में लिए हैं। और किस तरीके से देखिए कि परिजन कितने शोक में है, पप्पू यादव से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप सबको पता है कि जब लोग अनाथ हो जाते हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, बेसहारा महसूस करते हैं, तो वहां पप्पू यादव जरूर पहुंचते हैं। ऐसे में एक बार फिर से पप्पू यादव पहुंचे हैं उन पीड़ित लोगों की मदद करने, परिजनों के पास जिनके बेटे की, जिनके पति की मृत्यु हो गई है। अब पप्पू यादव अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं और एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। साथ ही सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि इन परिवार को, इन बेसहारा लोगों को मुआवजा दिया जाए। ऐसे में सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ फोन पे बात कर रहे हैं। इसकी हत्या चकला में हुई थी, भेलाड में, चकला में। ये चकला गांव का है, बहरी। हम अभी दरभंगा वहीं आए हैं। उसके पहले भी हमने डीएसपी साहब से फोन करके हमने कहा था कि मैनेजर की उसमें पूरी संलिप्तता है और उनकी पत्नी उस वक्त लाइन पर थी जिस वक्त उसको गोली मारा गया था। पत्नी से वो बात कर ही रही थी। मैंने उस वक्त भी उनको दो तीन बात मैंने कहा था कि टेक्निकल जैसे उनका पूरा का पूरा टेलीफोन का बायोडाटा निकाल लें, कैसे कैसे कब कब उससे मैनेजर से बात होती रही, कब वो बुलाया। यहाँ जब घर आया था वो एक सालों से दो ट्रांसफ़र चाहता था वो लड़का, और उस लड़की को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। बाद में मतलब है कि घर से छत के बाद उनको फ़ोन करके कि उनको आप भेज दीजिए, ये नहीं जाना चाहता था, तब पत्नी को कह करके उसको बुलवा लिया गया। तो आपने सुना कि पप्पू यादव किस तरीके से सारी घटना जो है, सारी वारदात जो है वो सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे कॉल रिकॉर्ड हो। हालांकि ये मामला, ये भी बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के ऑफिस से जुड़ा ये मामला था, तो पप्पू यादव चाहते हैं कि इसकी भी जांच हो। लगातार पप्पू यादव ऐसे लोगों से मिलते रहे हैं और ऐसे लोगों की मदद करते आ रहे हैं। लेकिन बात पप्पू यादव की नहीं, बात तो सरकार की हो रही है, क्योंकि सवाल तो सरकार पे उठता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की है कि बिहार में इन दिनों अपराध की घटना क्यों लगातार बढ़ रही है। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं और आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं कि आपको भी लगता है कि बिहार में इन दिनों अपराध की घटना बढ़ रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।